उत्तर प्रदेश के बलिया में मानवता और लापरवाही की तस्वीरें एक साथ सामने आईं। बलिया के टाउन हॉल रोड के पास एक गर्भवती गाय प्रसव पीड़ा से परेशान थी, तो उसकी मदद के लिए पास के ही पशु चिकित्सालय में जाकर लोगों ने बताया, लेकिन अस्पताल का ना तो कोई डॉक्टर मदद के लिए पहुंचा और ना ही कोई कर्मचारी। अस्पताल कर्मियों के ना सुनने पर स्थानीय लोगों ने ही गाय का प्रसव करवाया। गाय के बच्चे के जन्म के बाद पशु चिकित्सालय के एक डॉक्टर ने अपना कर्तव्य समझते हुए गाय और गाय के बच्चे को जरूरी दवाएं दी। साथ ही साथ डॉक्टर का कहना था कि अगर अस्पताल कर्मियों को इस बात का पता पहले चल चुका था तो उन्हें मदद के लिए आगे आने चाहिए था। फिलहाल गाय और उसका बच्चा दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। मामला यह था कि मैं घर पे बैठा था तो एक छोटे भाई का फोन आया अंशु सोनी का कि भैया कोई लावारिस गाय है और यहाँ पे वो बच्चा देने का प्रयास कर रही है। बच्चा जो है आधा बाहर निकल गया था, आधा पेट के अंदर था। मैं तत्काल पशु चिकित्सालय पे गया वहाँ पर, और समय हमको लग रहा है 10 बजे में 10 मिनट कम था, और वहाँ पर 3-4 कर्मचारी लोग उपस्थित थे। मैं उन लोगों से बार बार विनती करता रहा, लेकिन वो कह रहे कि हमारा काम नहीं है, हम नहीं जानते, हम नहीं जाएंगे। तो हमने कहा भाई इसमें से कोई भी चल चले, तो नहीं वो आएंगे तो जाएंगे, डॉक्टर साहब आएंगे। तो हमने कहा कि भाई 10 बजने के हो, अभी डॉक्टर साहब आए नहीं, तो नहीं अभी तक नहीं आए। हार पाच कर हम लोगों को वापस आना पड़ा, और राहगीरों की मदद से जो है गाय माता ने बछड़ा दिया, उसके सेवा हम लोगों ने किया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उनका हम लोग सेवा कर भी रहे हैं अभी भी, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि पशु चिकित्सालय में घोर लापरवाही है। आज से 20 दिन पहले भी मेरे दरवाजे पे एक बछिया जन्म दी थी गाय ने, और डॉक्टर साहब लोग आए, कोई भी उचित उपचार नहीं कराए, कोई सुझाव नहीं दिए, बस देखे कि हाँ बच्चा हो गया, चले गए लोग, और 5 दिन बाद वो बछिया भी मर गई, उसके ठीक 5 दिन बाद गाय भी मर गई। और ऐसी स्थिति इनके साथ भी उत्पन्न हो चुकी थी। ये लोग मानवता नाम का, इन लोगों के पास कोई चीज़ नहीं है। जो भी पशु चिकित्सालय में दवा आ रहा है, ये सारे लोग अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में गाँव पे सेवा में लगे हैं लोग गायों के, और वो उसका धंधा बना दिया, उसको पैसे पे बेचते हैं लोग। जी बताइए, आप पशु चिकित्सालय गए थे तो वहाँ पे कौन लोग मिले और क्या आपसे बोले? कर्मचारी थे, हमको लग रहा है कि 3 या 4 कर्मचारी होंगे। बिल्ला लगाए मैं 10 बजे में 10 मिनट कम था, हाँ 10 बजे में 10 मिनट कम था। बताया रहे लोग कि 9 बजे उन लोग का समय है यहाँ पे आने का, कोई आया नहीं था। और एक डॉक्टर साहब आए, वो कह रहे कि मैं नहीं देखूंगा, वो आएंगे तो देखेंगे। पता चला कि उन्हीं की जिम्मेदारी थी ये देखने की। अच्छा, तो जो बच्चा हो गया जी, तो बच्चा कैसे पैदा हुआ ये? बच्चा जो जानकार थे थोड़ा, उनको रोका गया, वो बताया कि ऐसे ऐसे करना है, तो उनकी मदद से जो है बच्चा हुआ। और उसको साफ सुथरा कर उनका, जैसे जैसे लोग बोलते गए कि ये दवा लाइए, सब लोग दौड़ धूप का कैसे भी दवा लाए, अभी बच्चा स्वस्थ है। आप ये बताइए, 10 बजे आप जिला चिकित्सालय गए जी, और कितने देर पे फिर यहाँ पे आए, और कितने देर ये गाय परेशान रही? गाय जो है तो ये सुबह से ही परेशान थी, बैठी थी यहाँ पे। इन लोगों मोहल्ले के लोग को मालूम नहीं था कि ये बच्चा देने वाली है। जैसे ही दिखा कि पैर थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, ये बेचारे लोग परेशान हो गए और मुझे बताया, मैं भी गया, लेकिन कोई पशु चिकित्सालय से सहयोग नहीं मिला, खड़े के खड़े रह गए। मैं लाइव वीडियो भी बनाया, लेकिन कोई भी यहाँ पे नहीं, कोई नहीं आया। आधे का कैसे निकल गया? बच्चा निकल गया, मैंने बताया ना कि नागरिक जो थे भाई, आम लोगों ने निकाला, उसका साफ सफाई किया, उसके बाद उसको हम लोग घेर कर कपड़े से, उसका बच्चा निकला, साफ सफाई किए हम लोग, फिर ला कर ये छाया में हम लोग खड़ा किए हैं। जैसे लोग बता रहे हैं कि बच्चा को दूध पिलाया जा रहा है, गाय को ये खिलाए वो लाया है, हम लोग अभी गाड़ी से गए, हम लोग भूसा वूसा लेकर आए हैं। और फिर उसके बाद अभी 2-3 घंटे बीत गए, दोपहर हो गया, बच्चा भी पैदा हो गया है, अब चिकित्सालय से कोई आया है? नहीं, अब आए हैं, कोई डॉक्टर साहब हैं, ये अभी अपना पर्चे बताएंगे, अब आए हैं। तो ये भी आ रहे हैं तो हॉस्पिटल से कोई सुविधा, कोई दवा नहीं आ रहा है, अपना शरीर लेकर आ रहे हैं और कागज पर लिख दे रहे हैं कि ये दवा लाइए। एक टॉनिक हमको हॉस्पिटल से बस मिला है, बस, और सारी दवाई बाहर से आ रही है। हमको सूचना मिली, मैं बाजार में दवा करने चला गया था, ये फिर आया मतलब हॉस्पिटल, तो हमको सूचना मिली, फिर गया मैं, गाय को देखा, इलाज किया, जो हमारे पास दवा था उस दिया, और फिर फिलहाल भी मैं अपना दवा कर रहा हूँ। तो कब आप आए, कब आप बाजार गए थे, वहाँ पे ये लोग की सूचना आपको कब मिली? 10 बजे ये लोग गए थे, आपको कब मिली? मतलब हमसे मुलाकात नहीं हुई थी आपसे, मतलब हमसे मुलाकात। इनका एक आरोप है कि वहाँ से कोई भी व्यक्ति देखने नहीं आया, ग्रामीणों के सहयोग से इस बच्चे को निकाला गया। अगर यहाँ पे ग्रामीण नहीं रहते, वहाँ सूचना भी चली गई थी, अगर नहीं रहते ग्रामीण तो शायद बच्चा उसी में फंसा रहता, तड़प रही थी गाय। नहीं, गाय ठीक थी, हम आते निकालते, उनको जो कर्मचारी था उनको जाना चाहिए था, अब किस कारण बस नहीं गए? अब कर्मचारी की मानती है ना, गलती है ये। आगे तो अब जो कर्मचारी है उसको जाना चाहिए, पब्लिक डीलिंग है।
अभी आप यहाँ पे आए, गाय को देखे, बच्चे को देखे, क्या स्वस्थ हैं गाय बच्चे? हाँ, गाय बच्चे दोनों स्वस्थ हैं। सुबह भी देखे, फिर अभी देखे, जेर फंसी थी, जेर निकाले हैं। इस दवा का मैं अपना कर रहे हैं, जो हमारे पास दवा है मैं दे रहा हूँ।